दोस्तों हम मार्केट आए हुए हैं, ये गणेश भगवान जी का मंदिर है। कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है और यहाँ पे मिलती है झूला जो दिख रहा है। कितना रश है, बहुत रश है यहाँ पे। सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपने काना के लिए, प्यारे प्यारे ड्रेसेस ले रहे। काना जी की सुंदर सुंदर ड्रेसेस लगे हैं अपने काना के लिए। सब तैयारी मतलब जैसे पहले मोती वाले आए थे जो कल खत्म हो गए भैया, लेट हो गए हम, यही बचे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने यहीं से लिया था। ये भी अच्छा डिज़ाइन है, ऑरेंज। दो ड्रेसेस लेनी है हमको। कलर कितना प्यारा है, ये थोड़ा मुझे बड़ा चाहिए था फ्लावर वाला, ये ले लूँ के साथ ही मुकर जाएगा। ठीक है, मैचिंग है, ठीक है, खराब तो नहीं है ये थोड़ा अच्छा। तो ये फाइनल हुई मेरी ड्रेस मिली है। इसमें कि इसमें कितना प्यारा मेकअप किया हुआ है, सुंदर से सजाए हैं दीदी ने अपने खाना के लिए। हाँ, ये वाली ड्रेसेस ले। कौन कौन से फाइनल किया आपने? ये नहीं आएंगे ना बड़े वाले? ना बड़े वाले उनके। ये ले रही हूँ। ये प्यारी ड्रेसेस डिजाइन करी हैं किसी ने, ये बड़ा प्यारा रेड है। वाओ, चार ले लेते हैं। हाँ थोड़ा हमने ये सामान लिया, माला ली मैंने खाना के लिए। अच्छा वो जो ड्रेस के साथ पहनते हैं छोटा बच्चा है, दो मिले छोटा। हाँ ले लो, ये मुझे ड्रेस मिल गई। देखो कितने प्यारे प्यारे ब्रेसलेट है। तो मन कर रहा है कि मैं कोई मुगनी लूँ, बड़ी वाली ले लेती हूँ, बहुत पैसे हैं ना मेरे पास। तो शॉपिंग हो गई है, अब वापस जाएंगे, थोड़ा आम से सामान लेंगे। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हमने ली हैं अपने काना के लिए, तो अब थोड़ा और शॉपिंग करनी है कल के लिए। क्या गप्पे मार रहे हो, मिलने जा रहे हो? ये अपने किसी कलीग से मिलने जा रहे हैं, लेट मी शो यू। दोस्तों मैंने एक मुगनी भी ली, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारा चेंज होता है, जैसे पापा आते हैं बहुत सारा चेंज दे देते हैं, और जो चेंज होता है वो मैंने एक पर्स में इकट्ठा किया हुआ था। और लास्ट टाइम मेरा भाई आया, कोई 250 का चेंज उस पर्स में से निकाल के ले गया, छोटा भाई चोर। तो अब मैंने सोचा कि मैं मुगनी में इकट्ठे करूँगी पैसे अपने बहुत सारे, और मेरी बड़ी देर से मन था कि मैं मुगनी में पैसे इकट्ठे करूँ जैसे बचपन में किया करती थी। तो अब मैंने मुगनी ली, और जो ये बड़ी बड़ी मुगनियाँ मैंने आपको दिखाई ना, ये 350 की तो मुगनियाँ थी, मैं कहते हैं तो पैसे नहीं इकट्ठे होने उसमें। तो मैंने एक छोटी सी मुगनी ली 80 रुपये की। अब मेरे बहुत सारे पैसे उसमें इकट्ठे होंगे और मैं बहुत अमीर बन जाऊँगी जैसे बचपन में हुआ करती थी। अकेले लगता आपको भी अकेले रहना पसंद है? पसंद तो नहीं है, मगर जब रहने पड़े तो फिर रहने पड़ता है, अकेले रहना भी आना चाहिए। अंकल सुन रही हो, जो सुबह 9 बजे तक सोते हैं उनके साथ क्या होता है? जो मतलब आज मुहूर्त का पूरा उन्होंने बताया, सुबह कौन से मुहूर्त होता है, 6 बजे से बात कौन होता है, 9 बजे से बात कौन होता है, क्या होता है जो सुबह लेट उठते हैं? नाम नहीं आ रहा है, सुबह जब उठते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 से लेके 6 बजे तक। तो अभी हम आए यहाँ वर्षा दी के घर, देसी केले। तभी मैं बाहर देख रही थी, मैंने सोचा अपनी वीडियो में दिखाऊं अपने फ्रेंड्स को। ये इनके घर पे लगते हैं बहुत ही टेस्टी टेस्टी। इस बार ये छोटे हैं थोड़े, छोटे गिर गया था, है ना? अच्छा, ये जो गिर गया था उसका वाला है, ये बहुत बड़ा होता है, पर ये थोड़े यहाँ मंकी ले जाते हैं तो ये थोड़े, वो टहनी भी टूट गई थी जिसपे बनता है। तो कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है, और ये मिर्ची मैं चुराने वाली हूँ। ओह नो, अगर उनके ससुर ने देख लिया कि मैं खराब तरीके से ये तोड़ रही हूँ, क्योंकि वो अपनी बहुत अपनी सब्जियों से बहुत प्यार करते हैं और हमें हमेशा बोरी भर भर के सब्जी देते हैं, पर देते हैं खुद निकाल के, क्योंकि हम लोग खराब कर देते हैं।
ये अचार वाली मिर्ची है, तीखी मिर्ची है। आई लव मिर्ची। कौन सी मिर्ची? जो अच्छा, मैंने तो आज ही सुना। थैंक्स टू अंकल जी, अंकल जी ने चिनार के पेड़ भी लगाए हैं यहाँ पे। ये देखो, दिस इज चिनार। ये कश्मीर में ही होता है, जम्मू में भी होता है, देख लीजिए यहाँ भी लगा है। ये तो पहाड़ी एरियाज में होता है। इसका लीफ इस टाइप का है, माउंटेन एरियाज में पाया जाएगा ये। आंटी ये कहाँ इतने बड़े उठाए? आप बड़े हाई फाई दर्जानी हो। कितनी अच्छी खिंद बनाई है आंटी ने। इसके अंदर खिंदी बोलते हैं ना इसको, इस बच्चे के लिए बनाई है, अपने पोतड़े के लिए। इसके अंदर लिफाफा डाला हुआ है, ये देखो आप आवाज़ सुन सकते हो। सुसु वगैरह करेगा तो आसानी, नीचे नहीं गिरेगा बेड पे, और आसानी से वॉश भी हो जाएगा ये। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे खिंदे चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, आंटी से मैं बनवा लूँगी और आंटी की अर्निंग हो जाएगी। आंटी अपने टाइम पे इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिलते थे ना। टोपी दिखाना जरा, कौन सी है? ये देखो आंटी ने कितनी, एक मिनट रुको, आंटी ने कितनी अच्छी टोपी बनाई है। आंटी बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं। आंटी ने इतनी अच्छी ड्रेसेस अपने पोते के लिए बनाई हैं, ऐसे लग रहा था बाजार से खरीदी हुई हैं। और ये एक शानदार खिंद बनाई है आंटी ने, अब हम इसको लेके जाएंगे क्योंकि वो अपनी नानी घर गया हुआ है कुछ दिनों के लिए। स्पेशली यहाँ आए थे पूजा रूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि दीदी कुछ टाइम से वहाँ पे हैं अपने मम्मी पापा के घर। और हमने सफाई की, काना को सजा दिया और जो जगा दी। जय श्री कृष्णा। हम स्टोर में आए, बिस्मी स्टोर में, कुछ सामान लेने, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं क्योंकि कल हमने लड्डू बनाने हैं। और आप मेरी स्लीपर्स देख सकते हैं, जो कि मैं घर से निकली थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा जल्दबाजी में, स्कूटी पे बैठ के स्टार्ट कर दिया, तो देखा ऐसे मुझे फील हुआ कि मेरी कुछ कमी है, देखा तो स्लीपर टूटी हुई लगा के आई। और ये पीच ने कट कर दी है, बट इट्स ओके, हु केयर्स, चलेगी। हमने आइसक्रीम खाई, ये भी हमें ऑफ में मिली है, बहुत सारा ऑफ मिल रहा है। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और आज का दिन बहुत ही शुभ है और बहुत ही अच्छा है। ऑफकोर्स हमारे कान्हा जी का बर्थडे है, और सुबह उठ के मैंने सफाई कर ली और अब मैं फ्रेश होकर पूजा करने जाऊँगी। तो आज के दिन हम बहुत सारी पूजा करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ। और साथ में जुड़े रहे आप भी हमारे। जय श्री कृष्णा, राधा राधा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलने वाला है। और हम सबका उपवास है, व्रत है, और आज मंदिर जाएंगे, बहुत सारी मस्ती होगी दिखाएंगे आपको। अंजू येलो कलर पहनना चाहिए आज भगवान। मैंने सूट पहना है तो सुंदर खोल दिया, अगर कभी निक्कर, निक्कर में रहती है लड़की, इसको बस निक्कर पसंद है। भाई की निक्कर इसने सारी चुरा चुरा के, गर्ल्स वाली कोई चीज़ होनी चाहिए स्पेशली। दोस्तों मैंने आज नया सूट पहना है स्पेशली। मैं आपको बताऊँ, मैं जा रही थी मचेन यात्रा पे, पर किसी वजह से नहीं जा पाई, शायद माता रानी ने बुलाया नहीं है। और कहा जाता है कि माता रानी बहुत परीक्षा लेती है पहली बार दर्शन जब करने हो ना, तो बहुत अड़चने लाती हैं आपके सफ़र में। तो मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही पर जा नहीं पा रही। उसमें पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरी की पूरी। हम सुबह निकलने ही वाले थे पर किसी की हेल्थ ख़राब हो गई, हमारे क्लोज रिलेटिव की, तो जिस वजह से हम जा नहीं पाए। और तभी मैंने बताना अभी तारीख से क्या हुआ आपसे। अभी हमारे घर में एक मेहमान आया था, बहुत स्पेशल मेहमान, मंकी। दरवाज़ा खुला था तो यहाँ बहुत बंदर घूमते रहते हैं, तो घर के अंदर आ गया था। क्या किया उसने, आप अटैक किया? कैसे बाहर था, मैंने एक बंदर देखा खेत में, कुछ खा रहा था। और वर्षा जी गुस्सा हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि बेबी भी अंदर ही था, तो मंकी ले जाते हैं कभी कभी। बेबी गोद में था
अच्छा अच्छा तो मैं आपको बता रही थी कि मैं मचेल जा रही थी पर जा नहीं पाई, मैंने शॉपिंग कर ली थी और मैंने ये नया सूट खरीदा था तब तो नहीं पहन पाई, सोचा था वहाँ जाके पहनूंगी मचेल जब दर्शन करूँगी माता रानी के चंडी माता के, पर चंडी माता ने हमें बुलाया नहीं। पर कोई बात नहीं, अभी भी मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही उनकी हेल्थ ठीक होती है तो हम लोग फिर जाएंगे सभी। और फिलहाल ये सूट आज मैंने जन्माष्टमी पे पहन लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंजू मैं तुझे बोला था ना सूट पहन लेना अच्छा सा, पहनूंगी ना, मैंने येलो कलर का सोच रखा है, भगवान का फेवरेट कलर पहनूंगी मैं इसका। अभी सुबह सुबह है तो अभी बहुत सारे काम करने हैं हम लोगों को तभी इस ड्रेस में, पर मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मैं पहले अभी पहनूं या मंदिर जाते हुए पहनूं, पर मैंने कहा मैं पूरे दिन सुंदर बन के रहूँगी और बहुत सुंदर बन के रहूँगी सूट, और अभी तो मैंने मेकअप भी करना है तो आई एम सो हैप्पी। राधे राधे। तो दोस्तों आज के दिन मैं फुल डे व्लॉग बनाऊँगी और मैं पूजा करने जा रही हूँ। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। देखिए कृष्णा जी को कितना सुंदर से सजाया है, एक बार स्नान इनका हो चुका है, अब शाम को भी हम इनका स्नान करवाएंगे। और कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और कितना सुंदर है कान्हा जी का, ये देखो कान्हा जी की मुरली कितनी सुंदर है, इस पर राधे लिखा है राधे। कान्हा जी तो राधा जी के बिना अधूरे हैं, जब तक कान्हा जी की, जैसे कान्हा जी को आज इतना सुंदर बनाया तो कुछ ना कुछ राधा जी का इनके साथ होना चाहिए। ये देखो कान्हा जी ने मक्खन मिश्री भी खा ली है, ये देखो